सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और ये सवाल 60 लाख 50 लाख का नहीं है, इससे जुड़े हुए 2.5 करोड़ परिवार के लोग हैं जिनके साथ बीजेपी ने धोखा किया है। आने वाले समय में यही परिवार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नहीं, उन्होंने मुझे उम्मीद है कि लोहिया जी वहां से चुनाव जीते थे, फरकाबाद में लोहिया जी पहला चुनाव वहीं से जीते थे, फरकाबाद से। हमें उम्मीद है कि वो अपना ट्वीट डिलीट कर देंगे और अलायंस की